सीरिया ब्लू प्रो, ये है प्रो मैक्स, ये है सिर्फ 13, आईफोन 13 ब्लैक कलर, और ये है आईफोन 13 मिनी जो आईफोन 12 से मिलता जुलता कलर है। बहुत ही महंगा फ़ोन है, करीब करीब 1.5 लाख का आसपास। मेरा किडनी नहीं है, ये किडनी बेच के ले रहा हूँ आईफोन। ये किसका किडनी बेचेंगे कुछ दिन के बाद। तो कुछ इसी प्रकार का है, दो दिन का बाद में, दो दिन का बाद किडनी बेचेंगे, हाँ फिर दूसरा ले लेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नया ब्लॉग में। दरअसल मैं जा रहा हूँ अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदने, 256 GB वेरियंट का। तो सारा सीन दिखाऊंगा आज की इस ब्लॉग में, आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदने के दौरान जैसा भी हो रहा है हर चीज़ देखने को मिलेगा आज की इस ब्लॉग में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाजमी वीडियो को पूरा देखें, हर चीज़ आपको जानकारी मिलेगी, बहुत चीज़ जानकारी मिलेगी। नया चीज़ मैं बताने का कोशिश करूँगा आईफोन 13 खरीदने के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, तो हर चीज़ मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्स्ट्रा के अंदर ही है एप्पल का स्टोर, तो मैं एप्पल का स्टोर से आईफोन परचेज़ करने के लिए सोच के जा रहा हूँ। अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदता तो मेरे को तकरीबन 200-300 रियल का डिस्काउंट मिलता, पर मैं सेटिस्फाई नहीं था, तो जिसके कारण मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर से ही ख़रीदने के लिए। तो अभी अगर आप खरीद रहे हैं तो एप्पल स्टोर से ही ख़रीदें, ऑनलाइन में मेरा हिसाब से अच्छा आईफोन नहीं मिल रहा है। तो अभी सिग्नल है रेड, जिसके कारण हम लोग रुक गए हैं, और ये सिग्नल पे कैमरा लगी हुई है, अगर कोई भी सिग्नल क्रॉस कर रहा है तो उसका मोबाइल पे आ जाएगा 3000 रियल फाइन, जो कार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उसमें फ़ाइन आ जाएगा कि तुम सिग्नल क्रॉस किए जिसके कारण ये तुम्हारा फ़ाइन है। तो सिग्नल हो गया ग्रीन, और शायद मैं एल्पिन ग्रीन ही कलर लूँ, इससे पहले मैं 2-3 मरतबा ट्राई किया था एल्पिन ग्रीन के लिए तो वो आउट ऑफ स्टॉक था। अभी मेरा जानकारी के अनुसार वो अवेलेबल है एल्पिन ग्रीन, और देखता हूँ, आई होप मिल जाए। ये है कैमरा, इसमें अगर आप सिग्नल क्रॉस करते हैं तो फोटो आ जाएगा। और ये जो सामने दिख रहा है ये है रॉयल कोलोक टावर, ये काबा के पास है, वन ऑफ द बिगेस्ट होटल इन सऊदी अरेबिया। तो मैं इसका सारा सीन दिखाया हूँ मेरा उमरा वाला ब्लॉक में, तो अभी तक अगर आपने वो उमरा वाला ब्लॉक नहीं देखा है तो जाके देखें, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अदरवाइज मेरा चैनल पेज भी जाके मिल जाएगा, रमजान उमरा ब्लॉक 2022 नाम से। तो उसमें हर चीज़ दिखाया हूँ काबा का, क्या क्या उमरा के दौरान करना पड़ता है और क्या क्या ज़रूरी है, हर चीज़ मैं बताया हूँ, आप जाके देखें, इंशाल्लाह वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो कुछ इसी प्रकार का सीन है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाजमी पूरा देखें, बहुत चीज़ जानकारी मिलेगी, नया चीज़ सीखने को मिलेगी, नया एक्सपीरियंस भी होगा आपको आईफोन खरीदने के दौरान। और कुछ इस प्रकार का व्यू है जैसे कि आप सब देख सकते हैं रात का नज़ारा, सामने और एक कैमरा है आपको कुछ ही देर में वो देखने को मिलेगा जो ऊपर दिख रहा है लाइट बिलिंग कर रहा है, इसमें भी कैमरा लगी हुई है जैसे देख सकते हैं, ये है डंडा सा लाइट बिलिंग किया, ये कैमरा है दरअसल। अगर आप सीट बेल्ट यूज नहीं कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान तो 150 रियल फाइन है, और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो 500 रियल फाइन है, तकरीबन 10,000 इंडियन बनता है। आपका मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जो नंबर आपका कार के साथ रजिस्टर रहेगा, कोई पुलिस का लफड़ा नहीं यहाँ पे, कुछ भी गलती करेंगे आपको फ़ोन पे डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा जो गाड़ी के साथ आपका नंबर रजिस्टर रहेगा। तो सामने कुछ भीड़ है जिसके कारण मैं अभी ले लूँगा बाईपास राइट से, आगे भी एक सिग्नल है तो जिसके कारण मैं ले लिया हूँ बाईपास, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा रॉयल कोलोक। तो कुछ इस प्रकार का बाईपास है, सामने मस्जिद है, मस्जिद में ग्रीन कलर का लाइट लगी हुई है मीनार में, और इस तरह से ऑल ओवर सऊदी अरेबिया में ग्रीन कलर लगी हुई रहती है उमरा रमजान के दौरान, तो बहुत ही सजाव के रखता है रमजान के दौरान, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है हर चीज़ सऊदी अरेबिया का। तो यह है बाईपास वाली रोड, आपको कुछ ही देर में सामने से आने वाली रोड, तो जो कि भीड़ है अभी रात का हो गया एक, जिसके कारण आदमी टहलने के लिए निकला उसके कारण रोड बहुत ही जाम है, क्योंकि तरावी के बाद ही आदमी टहलने के लिए निकलता है। यह है मेरा साथ तंजामुल इस्लाम जो कि मेरा साथ जा रहा है, और शायद मिल जाए यही सोच के जा रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स एल्पिन ग्रीन। सीरिया ब्लू भी सही है पर वो मेरा उतना फेवरेट नहीं है, जिसके कारण मैं एल्पिन ग्रीन के लिए इतना दिन रुका हुआ था, आई होप मिल जाए। और आपका कौन सा फेवरेट कलर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका आईफोन एक यूजर है तो आपका आईफोन एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं अभी जाके मिलता हूँ एक्स्ट्रा में, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें।
तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं एक्स्ट्रा, गाड़ी को यहां कर दिया हूं पार्क, जिस गाड़ी में मैं आया हूं, और आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है एक्स्ट्रा। और इसका अंदर अभी चलेंगे, फिर जाके देखते हैं कौन सा कलर का वेरिएंट लेने से अच्छा होगा। और लेंगे तो 256 GB, और प्रो मैक्स ही लेने का एकदम पूरा फाइनल विचार करके आए हैं घर से। और जैसे कि मैंने पहले बताया हूँ, गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिए हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा का बाहर का नज़ारा है जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और मेरा साथ ये आया है, मेरा बंधु बोले तो दोस्त, मेरा नज़दीक नहीं रह रहा है तो उसको लेकर आया हूँ। दरअसल मैं लेकर आने वाला था दूसरा किसी को, वो अभी है नहीं, ड्यूटी में है, तो मैं अकेले आ रहा था, तो मैं उसको बोला चलो, तो उसको लेकर आ रहा हूँ। और मैं अभी हर चीज़ दिखाऊंगा एक्स्ट्रा के अंदर, कौन सा कलर है और कौन सा हम लोग लेना पसंद कर रहे हैं, तो हर चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं एक्स्ट्रा के अंदर जाऊंगा, फिर आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और जो भी सुझाव है आप कमेंट करके दीजिए। और अभी मैं चलता हूँ एक्स्ट्रा, फिर आगे आपसे मिलता हूँ। मेरा साथ में जो दोस्त आया है उसका तवक्कल नहीं खुल रहा है, अभी मेरा तवक्कल से उसको लेके जाना पड़ेगा। अभी देखता हूँ उसको एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पे चेक करेगा मास और तवक्कल ना रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो अभी मास्क लगा लिया हूँ, ये है कुछ एक्स्ट्रा का नज़ारा। और अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा आईफोन का कलर लेने से अच्छा है। कुछ एक्स्ट्रा का नज़ारा, ये सैमसंग का सेशन है, इधर पे सारा सैमसंग का ही फ़ोन मिल रहा है, नया नया S22 और बहुत सारा है। इधर पे भी गैलेक्सी सैमसंग का ही है, जो लेटेस्ट मॉडल का अभी आया है। ये है गैलेक्सी S22 Plus, माशाल्लाह फ़ोन तो बड़ा ज़बरदस्त है, दिल तो कर रहा मेरा घड़ी के साथ ही मैच हो जाता है। तो ये प्रिफेयर करेगा या माशाल्लाह आईफोन 13 का जो नया कलर है सेम है, पर देखता हूँ। खैर जो भी हो, मेरे को ये सब में अभी जाना नहीं है, मेरे को अभी देखना है आईफोन 13, तो देखते हैं फिर बात करते हैं उससे। तो आईफोन का कुछ यहाँ पे 4-5 फोन गिरी हुई है, उधर वॉच है, तो अभी मैं कौन सा कलर लूँ। ये तो आईफोन 13 है, प्रो नहीं है, ये भी कलर माशाल्लाह बेहतरीन है। अभी ये जो है इनसे मैं पूछता हूँ और देखता हूँ कौन सा कलर लूँ। ये पिंक है मिनी, और ये है आईफोन 13 प्रो, प्रो मैक्स नहीं है, आईफोन 13 प्रो है। तो इसका कलर कुछ इस प्रकार का है, ये नया जो कलर आया है। तो अभी मैं कौन सा कलर लूँ देखता हूँ। ये है सीरिया ब्लू, अभी ये दोनों में से हम लोग को कोई एक लेना होगा, लेंगे तो ये प्रो है, ये प्रो मैक्स है, तो मैं प्रो मैक्स लूँगा, ये बड़ी वाला, लेकिन कलर अभी डिसाइड नहीं किया। 3 आया है, ये है SE3। ये वॉच का कुछ स्लिप है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, मेरा पास है एप्पल का S7 का ये वॉच है, और 44 mm का मेरा पास जो है SE7 का ही है, और 41 mm का है, दाम सिर्फ 200 रियल का कम ज़्यादा है मेरा में। उसमें ये है AirPods 1, AirPods 2, AirPods 3 जनरेशन, ये Gen 2 है, Gen 3, Gen 4। तो मेरे को अभी यहाँ सारा फ़ोन है iPhone 13 का, अभी इनमें से मैं कोई एक कलर लूँगा, तो थोड़ा सा मेरे को इन लोगों से बात करनी होगा। और ये है गोल्डन कलर, फिर मैं किसी सेलर से बात करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कौन सा ले रहा हूँ। सीरिया ब्लू प्रो, ये है प्रो मैक्स, ये है सिर्फ 13 iPhone 13 ब्लैक कलर, और ये है iPhone 13 मिनी, जो iPhone 12 से मिलता जुलता कलर है। तो देखता हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी डिसाइड करके कौन सा ले रहा हूँ, फिर वीडियो का आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ये है, यहाँ है, यहाँ है एप्पल का स्टोर, वैलिड स्टोर है एक्स्ट्रा के ही अंदर, हर चीज एकदम ओरिजिनल है। तो जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, मैं बात किया हूं कैश काउंटर से, वहां पे कैश काउंटर है, वहां पे बात किया हूं, वो लोग थोड़ा बिजी है जिसके कारण बोला वेट करो। तो मैं चाह रहा हूं इंटरनेशनल वेरिएंट, और मेरे को ये लोग इंटरनेशनल वारंटी देगा नहीं देगा वो चीज़ बात कर रहे थे 256 का ही, और कलर में थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कौन सा कलर लेने से बेहतर होगा, अभी भी मैं सोच में हूँ। ये जो लेटेस्ट कलर आया है ये, तो अभी लेटेस्ट कलर वाला लूँ या सीरिया ब्लू वाला लूँ, कन्फ्यूज में हूँ। तो देखता हूँ कितना देर में लोग फ्री हो रहा है, फिर मेरे को बुलाएगा, फिर जाके देंगे। तो इंटरनेशनल वेरिएंट, और इंटरनेशनल वेरिएंट का मतलब यही है मैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी वारंटी क्लेम कर सकता हूँ, और मतलब ई सिम चलेगा। अगर सिर्फ मैं की ऐसे वेरिएंट लूँ या दूसरा कोई वर्जन वेरिएंट लूँ तो वो शायद ई सिम नहीं चलेगा आफ्टर सऊदी अरबिया, सिर्फ सऊदी अरब में भी ई सिम चलेगा। तो जिसके कारण थोड़ा सा अभी मैं कन्फ्यूज में हूँ कलर को लेके, बाकी इंटरनेशनल वेरिएंट ही लूँगा। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, देन यू विल बी सी ऑन माय हैंड द आईफोन 13 प्रो मैक्स वेरी सून। बहुत ही फ़ोन महंगा आया है, ये सब आज वो सब महंगा महंगा एक्सपेंसिव चीज़ है। तो बहुत ही महंगा फ़ोन है, करीब करीब 1.5 लाख का आसपास। मेरा किडनी नहीं है, एक किडनी बेच के ले रहा हूँ आईफोन। ये किसका किडनी बेचेंगे कुछ दिन के बाद। तो कुछ इसी प्रकार का है, दो दिन का बाद किडनी बेचेंगे, हाँ फिर दूसरा। बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे सब ब्रांडेड और एक्सपेंसिव चीज ही है, यहाँ पे सस्ता कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे वही चीज़ मिल रहा है जो लेटेस्ट कुछ भी लॉन्च हो रहा है, आईपैड, आईमैक्स, फ़ोन, जो भी हो रहा है, सिर्फ लेटेस्ट चीज़ हर चीज़, टेलीविज़न, प्रिंटर, यानी जो भी नया लॉन्च होता है वो यहीं आता है बस यहाँ। फिर कुछ दिन रहने के बाद कुछ भी फिर नया आता है यहाँ से हट जाता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, मैं फाइनली फ़ोन को कर लिया परचेज। फ़ोन बहुत ही एक्सपेंसिव है, और ये आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB वेरियंट, अब तक का हाईएस्ट आईफोन, और ये है उसका कुछ बिल। इसका ओरिजिनल बिल मैं ईमेल पे मंगा लिया हूँ, इनवॉइस इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी अगर फ़ोन खरीद रहे हैं तो इसका ओरिजिनल बिल ईमेल पे मंगा ले। और ये है बॉक्स का कुछ लुक बिल्कुल एकदम प्रीमियम फील दे रहा है। तो मैं इसको करता हूँ अभी क्विक अनबॉक्स, और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं इसको कर लिया अनबॉक्स, और फ़ोन का लुक इस प्रकार का है, एकदम प्रीमियम फील हो रहा है, और मेरा फेवरेट कलर है। बहुत दिन के बाद ही मेरे को कलर मिला, ज़्यादातर ये आउट ऑफ स्टॉक था जिसके कारण मैं इतना लेट हो गया। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और देखता हूँ इसके अंदर और क्या क्या है। ये है चार्जिंग केबल, और ये स्टिकर गाइड, इसके अलावा फ़ोन में और कुछ भी नहीं है, बस
इसके लिए आपको चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी चार्जर है जिसके कारण मैं ख़रीदा नहीं। तो बोलो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। इसका फुल वीडियो फुल सेटअप के साथ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं।